नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में अचानक हिंसा की घटनाएं होने लगी। दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। किसानों का एक धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध कर रहा है। इन्हीं में से कुछ किसान नेताओं ने दीप सिंधु पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद सिंधु को ने फेसबुक पर कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया। आइए बताते हैं कि कौन है दीप सिंधु, जिनको लेकर बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल को देनी पड़ी सफाई और NIA ने समन भेज तलब किया। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने दीप सिंधु पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिंधु ने किसानों को भड़काया और आउटरिंग रोड से लाल किला ले गया। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे, ये आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं है। वहीं कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिंधु और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना ने पिछली रात सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों को भड़काने की कोशिश की। योगेंद्र यादव ने आगे कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार एक माइक्रोफोन के साथ दीप सिंधु लाल किले तक पहुंच गया। कौन है दीप सिंधु? दीप सिंधु पंजाबी अभिनेता है। दीप सिंधु का जन्म वर्ष 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। फिर उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। दीप किंग फिशर मॉडल हंट के विजेता रह चुके हैं और मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में मिस्टर पर्सनालिटी का खिताब जीत चुके हैं। शुरुआत में मॉडलिंग की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। किंग फिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से पहले वह कुछ दिन बार के सदस्य भी रहे। साल 2015 में दीप सिंधु की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें पहचान साल 2018 में आई फिल्म जोरादास नुम्बरिया से मिली, जिनमें उन्होंने गैंगस्टर का किरदार निभाया है। कुछ कार्यकर्ता और कलाकारों ने सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 25 सितंबर के दिन अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। पंजाबी एक्टर दीप सिंधु भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने किसानों के साथ धरने पर बैठने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिंधु ने अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से किसानों की समस्या को उठाने की अपील की। सनी देओल को देनी पड़ी सफाई। पिछले लोकसभा चुनाव में दीप सिंधु ने गुरदासपुर में से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के साथ चुनाव प्रचार किया था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिंधु से कोई संबंध नहीं है। देओल ने कहा, आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीट कर स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिंधु के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। पिछले लोकसभा चुनाव में दीप ने गुरदासपुर से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के लिए चुनाव प्रचार किया था। दीप सिंधु की भाजपा से नजदीकी की बात कहकर अब सोशल मीडिया पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व सांसद सनी देओल के साथ तस्वीरें वायरल कर दी गई हैं। कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला ने बताया कि केंद्र सरकार शुरू से ही किसान आंदोलन का सांप्रदायिक देना चाहती थी। दीप सिंधु ने उनकी अच्छी सेवा की है। दीप सिंधु किसान आंदोलन में लगातार 2 महीने से सक्रिय हैं। कुछ दिन पहले दीप को सिख फॉर जस्टिस के साथ रिश्तों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नोटिस भी जारी किया था। दीप ने पिछले साल आंदोलन के दौरान किसान यूनियन की लीडरशिप पर सवाल उठाया था। उस दौरान उन्होंने शंभू मोर्चा के नाम से नए किसान संगठन की घोषणा भी की थी। तब उनके मोर्चा को खालिस्तान समर्थन चैनलों से समर्थन भी मिला था। इस बीच दीप सिंधु ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर कहा कि लाल किला पर निशान साहिब का झंडा तो उन्होंने ही फहराना है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया। साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपियों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ संगठनों के नेता ने तय रूट फॉलो नहीं करने की बात पहले ही कही थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। आपको बता दें कि निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है। आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में हिंसक झड़पें भी हुई। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कार पर सवार सैकड़ों किसान हाथों में तिरंगा और अन्य झंडे लेकर लाल किले परिसर में घुस गए। सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों की संख्या से अधिक संख्या में किसान जल्द ही स्मारक की प्राचीर पर चढ़ गए और वहां अपना परचम लहराया। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को भड़की हिंसक झड़पों
में दर्जनों पुलिसकर्मी और कई किसान घायल हो गए। आईटीओ चौराहे के पास ट्रैक्टर पलटने के चलते एक किसान की मौत हो गई। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज इंडिया।